मुरादाबाद उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ के बैनर तले नवगठित प्रांतीय कार्यकारिणी के लिए निर्णय क्रम में आज जनपद स्तरीय महासंघ का विशाल धरना जिला मुख्यालय स्थित मुआशरा ग्राउंड में संपन्न हुआ, जिसमें मंडल के समस्त राजस्व कर्मचारी मौजूद रहे। धरने के माध्यम से सरकार तक अपनी बात को बताने के लिए जिला अधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तर प्रदेश राजस्व महासंघ तीन मुख्य मांगे हैं, जो इस प्रकार है। राजस्व परिषद की अधीन तहसीलों में विभिन्न पदों पर चकबंदी विभाग की कमी को किसी भी स्तर एवं किसी भी रूप नियुक्त न किया जाए। कलेक्ट्रेट संबंध हेतु राजस्व परिषद की स्तुति के क्रम में कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए ग्रेड वेतन उच्चायुक्त करने का आदेश नदेश निर्गत कराया जाए। वेतन उच्च वेतन वशीकरण किया जाए। लेखपाल व संग्रह अमीन का प्रारंभिक ग्रेड में 2800, राजस्व निरीक्षक का 4200 तथा तहसीलदार का 4800 किया जाए। बैठक नितिन देवतिया तहसीलदार मुरादाबाद की अध्यक्षता में तहसील मुरादाबाद में संपन्न हुई, जिसका संचालन राकेश शर्मा प्रांतीय प्रवक्ता उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ द्वारा किया। आज हम राजस्व महासंघ उत्तर प्रदेश का गठन पूरे उत्तर प्रदेश में किया गया है। सरकार की निद्रा को जगाने के लिए, क्योंकि हमारी मांगे चार सूत्री इस समय इस विशेष आह्वान पर हमने रखा है, उसमें सबसे पहले राजस्व परिषद के अधीन तहसीलों में विभिन्न पदों पर चकबंदी विभाग के कर्मियों को राजस्व विभाग में सम्मिलित न किया जाए। कलेक्ट्रेट संवर्ग राजस्व परिषद की संतुति के क्रम में कलेक्ट्रेट को विशेष प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। वेतनमान लेखपाल संघ अमीन संग्रह का प्रारंभिक ग्रेड वेतन 2800 करा जाए, जो कि हमारी मांग परिषद में काफी समय से लंबित है और स्वीकृति अभी नहीं प्रदान की गई है। राजस्व निरीक्षक के पद, नायब तहसीलदार के पद व भूलेख अधिकारियों के पद जो पूरे उत्तर प्रदेश में रिक्त हैं, उनको तत्काल भरा जाए। मैं बताना चाहूंगा आज के इस माध्यम से सबसे पहले सभी कर्मचारियों का, इसमें हमारा पीसीएस वर्ग, तहसीलदार वर्ग, नायब तहसीलदार वर्ग, कानूगो रजिस्ट्रार कानूगो, लेखपाल संघ, अमीन संघ व कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के सभी साथी आज एक बैनर के नीचे खड़े होकर सरकार को इस बात का आह्वान देना चाहते हैं, यदि आपने इन मांगों को हमारी नहीं स्वीकार किया, नहीं इस पर विचार किया, तो मजबूर होकर महासंघ अग्रिम लड़ाई के लिए बाध्य करेगा। तो कार्य बहिष्कार आज के लिए या कार्य बहिष्कार केवल आज का है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि हमारे इस पर विचार करे और हमारी ये न्याय संगत मांग है, जिनको शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे।